वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला अपने चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना ते जेकर वीडियो वधिया लगेगी ते इस नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। अपनी अज दी वीडियो उन्हां दे लई आ जो विदेश विच जाना चाहुंदे ने जां फिर जिन्हां दा रिश्ता नेपरे नहीं चढ़दा अते ओह अक्सर ही बच्चे कमेंट बॉक्स दे विच जां मैसेज करके पाठ दी मंग करदे आ, भाव कहिंदे आ कि सानू कोई ऐसा शब्द दसो, कोई पाठ दसो कि जिस नाल साडे मन दी इच्छा पूरी हो जावे, भाव कि असीं विदेश विच जाके सैट हो जाइए जां फिर सानू साडे मन पसंद दा जीवन साथी मिल जावे। तां आपां अपने चैनल दे उत्ते पहला भी इस विषय दे उत्ते वीडियो बनाईआं होईआं ने, पर जो भी मेरे भैण भरावां ने वीडियो नहीं देखीआं तो उन्हां दे लई अज आपां इक वार तो फिर वीडियो बना रहे हैं अते आज दी वीडियो दे विच जो तुहानू पाठ दसन जा रहे हैं। इस पाठ दे अगे किसी दी पेश चलदी ही नहीं, भाव कि चाहे साडे कोई वड्डी तो वड्डी इच्छा होवे, अरदास होवे, कोई भी काम होवे, इस बाणी अगे आड़ नहीं सकदा। पर अरदासा अते आसा उन्हां दीआं पूरियां हुंदीआं ने जो अपने गुरु ते भरोसा रखदे ने, बाणी प्यार नाल पढ़दे ने अते भरोसे नाल पढ़दे ने। इस करके अज दी वीडियो नूं पूरा अंत तक ध्यान नाल सुनना अते समझना अते अज दी वीडियो दे विच जो बाणी जो पाठ दसन जा रहे हां ओह मापिआं दे अगे भी हथ जोड़ के बेनती आ कि बच्चे भी करन अते मापे भी ये बाणी जरूर पढ़न तां जो तुहाडा बच्चा कदे भी अपने असली मार्ग तों भटक ना सके, हमेशा तुहाडी आग्या दे विच रहे, हमेशा उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे चरणां दे नाल जुड़िया रहे। तां देखो जी बाणी दसन तों पहलां ओह पाठ दसन तों पहलां इह गल चंगी तरह समझ लो कि साडी रोजी रोटी अते साडा जीवन साथी ये मेरे मालक ने धुरो संजोग लिख के भेजे ने। तुसी सियाणियां दे मूहों अक्सर ही ये कहावत सुनी होवेगी कि जिथे दाने उथे खाने, भाव कि जिथों दी रोजी रोटी दाना पानी मेरे मालक ने साडे कर्मां विच लिखिया है उथे सानू जाके हर हाल विच खाना पैंदा है, ओह चुगना पैंदा है। मेरे वाहिगुरु अकाल पुरख जी अपने आप कोई ना कोई बहाना विध बना दिंदे ने अते सानू किसी भी तरीके दे नाल उस जगह ते पहुंचा दिंदे ने। तुसी कई बार देखिया होना कि कई बच्चियां ने आईलेट्स भी नहीं कीती पर मालक दे बनाए बहाने दे नाल अज विदेशां दे विच जाके सैट ने, उत्थे चंगा कारोबार कर रहे ने। अते उसे ही तरह जीवन साथी, जीवन साथी भी आपां कई वार आपां अपने बच्चियां दे लई, भैण भरावां दे लई जां अपने खुद दे लई भी किन्ने रिश्तियां दी भाल कीती, अपने जान पछाण दे विच अपने रिश्तेदारां नूं किन्ने लोकां नूं कहा कि जे कोई चंगे मुंडा कुड़ी होवे तां सानूं दस पाउणा, पर गल बणदी बणदी रहि जांदी रही। पर कई थावां ते कई बच्चे बच्चियां दे विच कई औगण वी हुंदे ने, कई कमियां हुंदियां ने, पर उथे साडी कोई भी सियाणप साडी चतराई काम नहीं करदी, ओह रिश्ते अपने आप नेपरे चढ़ जांदे ने, धक्के नाल ही ओह रिश्ते हो जांदे ने। पर कई वार कई रिश्ते कई जतना दे बावजूद भी नेपरे नहीं चढ़दे ते इसदा मतलब कि मेरे मालक दी रजा विच हो रहा है। इस करके सब तो पहला तो बच्चे इन्हां चीजां दी टेंशन लैनी छड़ दो, क्योंकि कई बच्चे इस गल दा मन उते बोझ बड़ा रखदे ने। बोझ नहीं रखना पर नाल मेहनत करनी नहीं छड़नी, मेहनत करनी है, मेहनत दा फल ही मेरे वाहिगुरु अकाल पुरख जी ने देना है। इस गल नूं हमेशा याद रखो कि आपां उत्थे ही पहुंचना है जिथे मेरे मालक ने सानू पहुंचाउणा है अते उही मिलना है जो मेरे मालक ने देना है। इस करके सब तो जरूरी गल आ मेरे मालक दी खुशी हासिल करनी, मालक दी रजा हासिल करनी अते मालक दी खुशी अते रजा साडी कीती हुई मेहनत अते बंदगी तो प्राप्त होनी है। ते इसे करके ही आपां बाणी पढ़दे आ तां जो सानू साडे मालक दी खुशी हासिल हो सके, मालक दीआं बरकतां हासिल हो सकण, क्योंकि जो आप बाणी पढ़ते हैं तो बाणी पढ़न के नाल साडे रस्ते साफ होंगे ने। क्योंकि कई बार आप अपनिया गलत नीतियां के कारण अपनिया गलतियां के कारण अपने सही रस्ते तो भटक जाते हैं, पर जो मालक नूं याद करते हैं मालक दे अगे अरदास करते हैं तो मेरे वाहिगुरु अकाल पुरख जी सानू सही रस्ता दिखाते हैं, सही रस्ते ते लैके आते हैं, उन्हां राहां वल साडे कदम मोड़ दिंदे ने जो कदम सानू साडी मंजिल तक साडी खुशी तक पहुंचाउंदे ने। तां इस करके जदों भी बाणी पढ़नी आ बाणी पढ़न तों पहलां
अरदास बेनती करनी है अते अरदास दे विच बेनती होनी चाहिदी है साडी अड़ी नहीं भाव ये नहीं कहना कि वाहेगुरु अकाल पुरख जी ए चीज मेनू चाहिदी ही चाहिदी है मालिक अगे हमेशा बेनती करनी है तरला करना है कि मालिका ए इच्छा मेरे मन विच आ गई है पर इस इच्छा नू पूरी तां करना जे इस विच तुहाडी खुशी होवे ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੌਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਜੋ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ इस भावना नूं ही इस इच्छा नूं ही मेरे मन विचों कढ देना मेरे रस्ते मोड़ देना मालका उस रस्ते दे उत्ते कदे ना चलण देना जो रस्ता मैनूं तेरे तों दूर लैके जावे जदों इस भावना नाल इस प्यार नाल अरदास करोगे तां देखना जो कर्मा विच नहीं भी लिखिया उह वी मेरे मालक ने तुहाडे कर्म बदल देने ने लेख बदल देने ने क्योंकि जे लेख लिखण वाला मेरा मालक है ना तां फिर लेख बदलण दी ताकत भी मेरे मालक दे विच ही आ उन्हां लिखे हुए लेखां नूं सिर्फ ते सिर्फ गुरु नानक पातशाह बदल सकदे ने इसलिए गुरु नानक पातशाह जी दी खुशी हासिल करनी है उन्हां दी रजा हासिल करनी है उन्हां दी रजा विच रहना है तां मालक नूं खुश करन दे लई अमृत वेले उठ के बाणी पढ़नी है अते जो बाणी पढ़नी है वह है मूल मंत्र दा जाप जिस मनुख ने भी मूल मंत्र नूं अपनी जिंदगी दा हिस्सा बना लिया अपनी जिंदगी दा पक्का नियम बना लिया वह इस जहाने भी हमेशा सुख अते खुशियां हासिल करता है अते उस जहाने भी मेरा मालक आप बांह फड़ के भव सागर पार करवांदा है मूल मंत्र दे जाप ने ही सानू दुनियावी सुख देने ने अते मूल मंत्र दे जाप तो ही सानू मुक्ति प्राप्त होनी है इस करके अमृत वेले उठना है अमृत वेले उठ के जो भी नितनेम करते हो उस तरह करना है चाहे तुसी पंज बाणियां पढ़ते हो चाहे तुसी जपजी साहिब जी दी बाणी पढ़दे हो चाहे तुसी सुखमनी साहिब जी दी बाणी पढ़दे हो पर मूल मंत्र दा जाप जरूर करना है अते कई मेरे वीर अते भैणां पुछदे ने कि अमृत वेले दा सही समा किहड़ा है अमृत वेले दा समा 3 to 6 नूं मन्निया गया है ते जे तुसी 3 वजे तों पहला उठना चाहते हैं तो तुसी 3 बजे तो पहला भी उठ सकते हो वो तुहाडी इच्छा है अते किन्ना पाठ करना है घट्टो घट्ट 1 माला 108 मणके दी अते उस तो वध तुसी जिन्ना भी कर सकते हो क्योंकि महापुरख जी कहिंदे हुंदे सन कि बाणी पढ़ने वाले कदी भी गिनती मिलती ना करो ये तो वह गल है कि जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना ही मिठा भाव जिन्नी बाणी पढ़ोगे उन्ना ही फल मेरे वाहेगुरु अकाल पुरख जी ने देना है मेरे वाहेगुरु अकाल पुरख जी एक बार कहे वाहेगुरु दा भी हिसाब अपने कोल नहीं रखदे उसका भी फल साडी झोली दे विच बेअंत दातां पा के दिंदे आ इस करके हमेशा प्यार नाल बाणी पढ़नी आ भरोसे दे नाल बाणी पढ़नी आ मूल मंत्र दे जाप नूं अपनी जिंदगी दा हिस्सा बनाउणा है तां देखणा कदी भी जिंदगी दे विच निराश नहीं हो क्योंकि मूल मंत्र दा जाप करन वालेयां दे उत्ते मेरे गुरु नानक पातशाह दी कृपा मालक दा हथ हमेशा रहिंदा है मूल मंत्र दा जाप प्रतख गुरु नानक पातशाह जी है जिथे मूल मंत्र दा जाप उथे मालक दी कृपा प्रतख वरतदी आ अते उहनां लोकां नूं पता है जो मूल मंत्र दे नाल जुड़े हुए ने जो रोजाना मूल मंत्र दा जाप करदे ने उहनां दे नाल हर दिन हर पल चमत्कार हुंदे ने उहनां दे उत्ते मालक दी कृपा हर वेले वरतदी रहिंदी आ इस करके कदे भी कोई भी इच्छा होवे कोई भी काम होवे कोई भी परेशानी होवे कोई भी चिंता होवे कोई भी दुख होवे तां मूल मंत्र दा सहारा लैणा है तां आओ अज तो रोजाना ही अमृत वेले उठिए अमृत वेले उठ के नितनेम दीआं 5 बाणियां दा जाप करिए अते मूल मंत्र दा जाप करिए ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ।